दोस्तों स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। और अब फिर निकल चुके हैं बाराबंकी ज़िले में स्थित एक नए देवस्थान जिसको उदय बाबा के नाम से जानते हैं, तो इसको आज एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ भौरी या चोखा बाटी जिसको बोलते हैं वो प्रसाद के रूप में बनाकर खाई जाती है। और यहाँ खीर भी कुछ लोग बना के खाते हैं, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। और देवस्थान पर अर्पित भी करते हैं, तो चलिए पूछते हैं। रास्ता खत्म है? नहीं नहीं है, तो यही तो रास्ता है। हम लोग बचपन में पैदल आते थे तो यही जंगल वाला रास्ता ही आते थे। धुआं धुआं है सब। ये नदी है, हम लोग उपले लेकर के तो आए नहीं थे। अच्छा, तो हमको ये दादा जो है हम लोगों को उपले देते हैं जिससे हम जो है प्रसाद या भौरी बना सकते। हाँ भाई, आज हम लोग आए हैं यहाँ पे। और ये देखिए उपेंद्र खड़े हुए हैं यहाँ पे। और ये देखिए हमारा आहरा तो पड़ चुका है, 3 बजे के बाद, ठीक है। मतलब हमारे कंडों और उपलों में आग लग चुकी है। आग में जो है, उपलों की आग में हमने आलू जो है अंदर रख दिए हैं और ये भून जाएंगे, इसका बनेगा चोखा। नमस्ते सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। और आज हम लोग सभी लोग क्या कर रहे हैं बताएंगे सर आपको? चोखा बाटी। इस जगह का नाम बता दीजिए आप। उदय बाबा। जय हो बाबा जी। जय हो। बाटी में अंदर का जो है मटेरियल भरते हैं। हमारी गाड़ी अगर नहीं वीडियो तो बहुत हमको भाई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और हम भौरी या बाटी जो है उनके अंदर ये फिल कर रहे थे। इसमें है भुने हुए चने जो पीसे हुए हैं, और मिर्च पड़ी हुई है, तेल भरा हुआ है और उसी से फ्राई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह मेला बहुत पुराना है और हम लोग बचपन में यहाँ आया करते थे। तो यहाँ जो है चोखा बाटी और खीर बना करती थी। तो बहुत पुराना ट्रेडिशनल चल रहा है और अभी हम लोग चोखा बाटी बना रहे हैं। जैसे लोग बाहर जाकर के पार्क में जाकर के जो है कैंपिंग करते हैं या कहीं जाकर कैंपिंग करते हैं शहर के लोग, तो ये ट्रेडिशन बहुत पहले से यहाँ बना हुआ है। और ये कैंपिंग का ही एक दूसरा रूप है जहाँ हम लोग आते हैं पिकनिक बनाने, पिकनिक टाइप का, और यहाँ चोखा बाटी बनाते हैं। ये देखिए भाई, ये अब इस पर हम थोड़ी थोड़ी आग चढ़ा देंगे। अजय भाई हमारी आग चढ़ाते हुए, अजय भाई पूरी मेहनत करते हुए, वाह भाई वाह। अब हमारे आलू पक चुके हैं, भुन चुके हैं सही से। अब आलू जो हमारी पक रहे हैं उसको निकाल लेते हैं। ये भी इधर साइड कच्ची है हल्की सी, इसको फिर रख देते हैं। ये भी पक चुकी है लगभग। और इधर चोखा बनाने के लिए आलू छीला जा रहा है। आलू छीलते हैं, इसमें और सब चीज़ें मिलाते हैं। देसी पिकनिक का मज़ा लेते हुए हम लोग, शहर वाले क्या जाने इसका मज़ा, क्या अजय भाई? सही बात है, शहर वाले लोग इसका मज़ा कहाँ जाने, घर में किचन बना खा लिए बस। टमाटर काटे इसे? टमाटर धुल लो। धुला नहीं था? हाँ धुला नहीं है। ये देखिए हमारी बाटियाँ पूरी तैयार हो चुकी हैं। धनिया आगे हिस्सा निकाल दो बस, बाकी धुल चुके हैं, काट दो। मिर्ची काट दो। दोनों कड़वे एक एक तेल बस, ठीक। ये स्पेशल नमक और मसाला, इसमें गरम मसाला भी ऐड है बस। देखो बस ठीक है।
हाथ से लगेगा, हाथ से लगाओ। ये घी मनाते हुए डन डन भाई। फिर देवस्थान पर अर्पण करने के बाद हम लोग चोखा बाटी खाना शुरू करते हैं। कंडा भी नहीं लग रहा है, कंडो मिल गए, आग माचिस वाचिस नहीं रहा है, आगो जला वाला मिल गए। सब बाबा की कृपा है और हम लोग चोखा बाटी खा चुके हैं, तो अब निकलते हैं घर की तरफ। बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।